सोयाबीन आलू तो आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे और खाए होंगे, लेकिन आज इसमें हम ऐसा ट्विस्ट डालेंगे, यानी कि इसे बिल्कुल अलग और नए तरीके से बनाएंगे, जिससे कि इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने ली थी चना दाल, मैंने आधा कप के करीब चना दाल ली थी। अच्छे से वॉश करने के बाद इसे 2 घंटे भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल गई है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कुकर में ना सारी चना दाल डाल दी है, उसके साथ ही हम इसमें 1.5 कप के करीब पानी डाल रहे हैं। देखिए मैं कटोरी से डाल रही हूँ, अगर आप कप से ना पिए आप कप से ही डालें तो इसमें 1.5 कप पानी आराम से डल जाएगा। 1/2 टीस्पून में इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक का यूज़ हम बाद में भी करेंगे, इसलिए नमक आप ध्यान से और स्वाद अनुसार डालें। अब हमने दाल को उबालना है तो मैं 1 छोटी चम्मच डालने लगी हूँ कुकिंग ऑयल। इससे क्या होगा, हम दाल को उबालेंगे तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, कुकर हमारा गंदा नहीं होगा। अब हमने 2 विसल लगानी है इसको मीडियम गैस पर। इसके साथ ही हमने ली थी 100 ग्राम के करीब ना सोया चंक्स, जिसे सोयाबीन भी कहते हैं, सोयाबीन की बड़ी भी कहते हैं, और ये मैंने ले ली थी 100 ग्राम के करीब। और 5-7 मिनट मैंने इसे गर्म पानी में भिगो दिया था, क्योंकि टाइम था तो मैंने इसे 5-7 मिनट भिगो के रख दिया था। अच्छे से फूल गई है, अब इसको हमने निचोड़ भी लिया है। 2 विसल हो चुकी है, इससे ज्यादा हमने नहीं ओवर कुक नहीं करनी दाल, बस 2 विसल करनी है। अभी साइड में रख देते हैं, तब तक बाकी की तैयारी करते हैं। अभी हमने एक कढ़ाई ली है, गैस ऑन कर लेते हैं। उसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ सौंफ, 1/2 टीस्पून ही डाल रही हूँ जीरा, 1 तेजपात लिया है उसको हम तोड़ के डाल देते हैं, और 2 डाल रही हूँ छोटी इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। इन सबको हमने भून लेना है अच्छी सी खुशबू आने तक। सेकंड भुनने के बाद ही इसमें अच्छी सी एक खुशबू आने लग गई है। गैस को बंद कर ठंडा कर एक प्लेट में डालकर उसको पीस कर हम तैयार कर लेते हैं। देखो कढ़ाई हमारी गर्म है, हम थोड़ी सी ना मेथी को भी हल्का सा 1 चम्मच लिए है, इसको भी भून कर इसे भी थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। हमने वही वाली कढ़ाई ली है और इसमें आप डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसको गर्म करेंगे। देखिए मैंने लिए थे 3 मीडियम साइज के आलू, कच्चे आलू लिए थे। छीलने के बाद अच्छे से वॉश करने के बाद इससे हमने छोटा छोटा काटा है। पहले सबसे पहले हम आलू को डाल देते हैं। आलू को पहले हम इसमें थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए अभी 2-3 मिनट ही हुए हैं भूनते हुए, थोड़े थोड़े ये करारे होने शुरू हो गए हैं। अब इसमें हमने जो न्यूट्रेला थी ना सोयाबीन, वो भी सारी डाल देंगे। इसे भी थोड़ा सा इसमें हम भून लेते हैं। 2 मिनट तक इसको भी हमने भून लिया है। अब इस गैस को बंद कर इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल, इसे गर्म कर लेंगे। 2 चुटकी हींग डाल देंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, जीरे को अच्छे से फूलने देंगे, 2 प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काट के लिया है, आप चाहें तो कद्दूकस करके भी ले सकते हैं या चॉपर में चॉप करके भी ले सकते हैं। अब प्याज को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है, जो प्याज है हमारी सुनहरी हो जाए। कि कुकर हमारा ठंडा हो चुका है और ये देखिए दाल हमारी ओवर कुक नहीं हुई है, लेकिन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। देखिए प्याज हमारी ना सुनहरी होनी शुरू हो गई है। अब हमने डाल देने कुछ मसाले, नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नमक हमने दाल में डाल रखा है। 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ, ये कम तीखी वाली है। अच्छे से मिक्स कर दें। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ जिससे कि मसाले अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे, और जो ये देखिए प्याज है हमारी सॉफ्ट हो गई है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट,
इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ दो टमाटर जिनको मैंने छोटा छोटा काटा है। अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को थोड़ा सा पका लेते हैं। देखिए काफी हद तक जो हमारे टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो रहे हैं। अब इसमें हमने नुकीला आलू भी डाल देने हैं। अच्छे से मिक्स करें। करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा चला दें। वैसे तो हमने जो आलू है ना उनको थोड़ा सा शैलो फ्राई करके लिया है और न्यूट्रेला को भी ज्यादा नहीं पकाना पड़ता, लेकिन थोड़ी बहुत अभी आलू में कसर है उसको हम ढककर पकाएंगे। 5 मिनट तक ढक देते हैं। 4-5 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा चलाएं। लेकिन थोड़ा सा चलाने के बाद अब मैं इसमें डालने लगी जो हमने मसाला पीसा था ना, पहले मैंने आधा डाला है। अब वो जो कसूरी मेथी थी उसको हमने हाथों से क्रश कर लिया है, वो डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए अच्छे से मिक्स होने के बाद अब इसमें हम दाल भी डाल देते हैं। देखिए दाल को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए वैसे तो इसमें पानी ठीक है, आप अगर पतला ज्यादा खाना चाहते हैं चावलों के साथ थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं, लेकिन गर्म करके डालें क्योंकि रखी रखी भी ना थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। कटोरी के करीब मैं पानी डाल रही हूँ, हल्का सा गरम करके डाला है मैंने। जैसे कि मैंने आपको बताया ना ये रखे रखे थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। अब नमक भी जरूर जरूर टेस्ट कर लेना क्योंकि आपने पानी ऐड किया ना तो नमक कम हो जाता है। देखिए 2 हरी मिर्ची को मैंने छोटा छोटा करके डाला है, मैंने बाद में इसलिए डाला है थोड़ा इसका क्रंच बना रहेगा, टेस्टी लगेगी। लेकिन मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ अदरक भी डाला है, 1 चम्मच मैं इसमें डालने लगी हूँ देसी घी। देखिए मैंने जैसे बताया आपको ये सब चीज ऑप्शनल है, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इससे स्वाद बड़ा बढ़ जाता है हर चीज का। अब गैस को लो मीडियम कर 5 मिनट के लिए और ढक देंगे, जो हमने दाल डाली है ना उसमें पूरा मसाला समा जाए। 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब जो ये बाकी का बचा हुआ मसाला है ना वो इसमें हम डाल देते हैं। ये सारा भुना हुआ है, ज्यादा तो पकाना नहीं पड़ेगा। और थोड़ा सा डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए सब चीजें मिक्स हो गई, अब गैस को बंद कर देंगे। ये बनकर तैयार है। आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। एक बार चना दाल और न्यूट्रेला की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। जल्द हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।